हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। दोस्तों, कल से मेरे पास इस प्रकार के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि उड़ीसा में जो साइक्लोन फनी चल रहा है, क्या उसके कारण नीट रीशेड्यूल की जाएगी या नहीं, क्या साइक्लोन के कारण अब्सेंट रहे कैंडिडेट की एग्जाम दोबारा होगी। इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तूफान की क्या सिचुएशन चल रही है उड़ीसा में, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उड़ीसा में अभी चक्रवाती तूफान फनी का कहर जारी है, इसमें आंध्र प्रदेश व वेस्ट बंगाल भी प्रभावित हो सकते हैं। इस तूफान को देखते हुए इन प्रभावित इलाकों में फ्लाइट्स, ट्रेन्स व स्कूल कॉलेज बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान का जोर आज शाम तक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में रहने के बाद ये वेस्ट बंगाल की तरफ मूव होते हुए कल दोपहर तक बांग्लादेश की तरफ लाइन कर जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि इस तूफान से नीट एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा, क्या नीट पोस्टपोन्ड होगी या जो नीट में अब्सेंट रहे स्टूडेंट की दोबारा एग्जाम होगी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि नीट नेशनल लेवल की एग्जाम है और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने से पहले काफ़ी तैयारियां करनी होती हैं। इस कारण ये किसी भी कंडीशन में पोस्टपोन्ड व रीशेड्यूल नहीं होगी। अब हम यहां पर बात करें कि जो स्टूडेंट इस साइक्लोन फनी से इफेक्टेड हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थितियों में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाता है। तो नीट में भी ऐसा हो सकता है, उनको एनटीए द्वारा मौका दिया जा सकता है। क्योंकि जब हम नीट पीजी की बात करें तो जेएनके में स्नोफॉल की वजह से काफ़ी स्टूडेंट नीट पीजी का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और उन स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने का दोबारा मौका मिला था। मैंने 8 जनवरी 2019 को इसके बारे में वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि स्नोफॉल के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए वाली स्टूडेंट को एक चांस और मिलेगा और इन स्टूडेंट ने एग्जाम दी भी थी बाद में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि यह एग्जाम उन स्टूडेंट की ही दोबारा हुई थी जो वेदर कंडीशन से इफेक्टेड थे, यानी कि स्नोफॉल की वजह से ये एग्जाम नहीं दे पाए थे, उन स्टूडेंट्स की ही ये एग्जाम दोबारा हुई थी। तो अभी साइक्लोन से इफेक्टेड कैंडिडेट के साथ भी ऐसा हो सकता है, एनटीए इनकी दोबारा एग्जाम के लिए मौका इनको दे सकता है। लेकिन इससे पहले हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये हालात सामान्य हो जाएंगे और ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वीडियो के अंत में मेरा यही कहना है कि नीट एग्जाम की पोस्टपोन्ड व रीशेड्यूल की बात दिमाग में न लाते हुए आप स्टडी पर फोकस करें, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। आप हमारे साथ बने रहें, जो भी अपडेट्स होगी सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसी अगर वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी, नई अपडेट्स आप तक जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।